देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। चीन में कोहराम मचाने वाले खतरनाक और जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर भारत में भी दहशत फैलने लगी है। देश के तमाम हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले और चीन जाकर भारत वापस आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी व्यक्ति देश में प्रवेश कर गया तो इसे फैलने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों कोरोना वायरस इतना खतरनाक है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन बड़ी तेजी से फैलता है? सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द और जुकाम, खांसी, बुखार और निमोनिया। चीन के वुहान में भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब चीन सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को चीन में फंसे 250 छात्रों और अन्य नागरिकों के लिए तीसरी हॉटलाइन शुरू कर दी है। चीन का वुहान शहर कोरोना वायरस का केंद्र बताया जा रहा है। यहाँ के सी फूड मार्केट से ही इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई। वुहान में बहुत से भारतीय छात्र अब भी फंसे हैं। हाल ही में चीन से लौटे जयपुर के एक छात्र को भी इलाज के लिए SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चीन से लौटा छात्र MBBS की पढ़ाई करने चीन गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल है और यहाँ पर उस मरीज को रखा गया है जिसके संबंध में वो सिम्टम्स नजर आए हैं जो कि कोरोना वायरस से अक्सर जोड़कर देखे जाते हैं। उसमें सूखी खांसी, बुखार और शरीर में एक तरीके की थकावट देखी जाती है। तो इस पेशेंट ने वो सिम्टम्स शो किए हैं, लक्षण शो किए हैं। ये जो मरीज हैं ये चाइना गए थे और वहाँ से आने के बाद सिम्टम्स जब पता लगे तो इनको यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है। इनको एक आइसोलेटेड बे में रखा गया है, अभी तक रिपोर्ट आनी बाकी है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग को अलर्ट कर दिया है। साथ ही प्रदेश के तमाम हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है ताकि खतरा बढ़ने से पहले ही उसे रोका जा सके। चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से भी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। और क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, तो ये सावधान रहने के लिए अलर्ट हमारा विभाग, तो वैसे भी मौसमी बीमारी हो चाहे और कोई दिक्कत हो तो चिकित्सा विभाग का जो दायित्व है वो तो हमेशा हम एडवांस मैनेजमेंट का काम हम करते ही है। तो चूंकि ये वायरस के बारे में खूब हमने पढ़ा है, टेलीविजन पे भी देखा है, तो लेकिन ये कैरी होके आएगा एयरपोर्ट्स के माध्यम से, तो भारत सरकार को एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। भारत सरकार को तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं जहां यात्री आते हैं वहां स्क्रीनिंग हो उनकी बाकायदा, चाइना से जो आ रहे हैं, और स्क्रीनिंग होने के बाद ही उनको कंट्री में प्रवेश दिया जाए। सी फूड खाने से पूरी तरह से परहेज करें, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, बीमार लोगों की देखभाल के दौरान मुंह को ढककर रखें, बीमार शख्स के कपड़े और बर्तन का इस्तेमाल ना करें। चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2700 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये वायरस जितनी तेजी से अपने पांव पसार रहा है उसे देखते हुए भारत भी पूरी सावधानी बरत रहा है ताकि ये बीमारी देश में किसी भी सूरत में प्रवेश ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।